Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम्हारे में क्या कमाल है कि तुम People's Party के चेयरमैन बन गए हो? अभी ये जो चुनाव हुआ? 1500 वोट पड़े, इतनी बड़ी पार्टी को इतनी सी पार्टी बना दिया। आसनसर ख़त्म है। बस मिला नाजरी में आवाज़ पशराजी प्रोग्राम है फैसला आपका प्रोग्राम में आपको हम एक ब्रेकिंग खबर भी देते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले नैब इस्लामाबाद की टीम ने मिनिस्टर्स इनक्लेव में जनाब इसाक डार साहब जो कि वजी ख़जाना हैं उनके घर पर छापा मारा है और उनके मुलाजमिन जो है उनसे भी पूछ गछ की है के डार साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है लेकिन इस छापे से ये बात तस्दीक हो गई है कि इसाकडार के गिर जो घेरा है वो काफ़ी ज़्यादा तंग होता चला जा रहा है उनको माना जाता है कि हुदेबिया पेपर मिल्स के जो मामला था उसके अंदर जो उनका एतराफ़ी बयान है जिसमें कि चौदह इशारिया आठ छः मिलियन जो रुपीज़ हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने तस्लीम किया था और शरीफ खानदान के जो मुख्तलिफ उन्होंने तरीके उसके अंदर बताया कि किस तरह से इस रकम को पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में ट्रांसफर किया था मनी लॉन्ड्रिंग की थी ये उन्होंने एतराफ़ किया या सन 2000 के अंदर उसके बाद इसको इस लाहौर हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और आज नैब फाइनली जो है वो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उन्होंने इसको खोलने की इस्तः की जो कि सुप्रीम दफा फिर हुदैबिया पेपर मिल्स का जो मामला है उसको पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे शरीफ खानदान पाकिस्तान वापस आएगा कि नहीं आएगा बहुत सी चयम गोईया बहुत सारी र्यूमर्स इस सिलसिले में इस्लामाबाद के अंदर हैं और इतलात यह आ रही हैं कि मुस्तकबिल करीब में शरीफ खानदान के पाकिस्तान आने के इम्कान मौजूद नहीं हैं बहरहाल कल को, को कोई भी फैसला हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बदल गया है अब तक की ये हालात है दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब को निकाला है आपने सुनी हैं खान साहब सिर्फ तलख नहीं हो रहे बल्कि बहुत ज़्यादा तलख हो रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जरदारी साहब के खिलाफ फ़रियाल तालपुर के खिलाफ और इसके साथ साथ बिलावल के खिलाफ जो जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है बहरहाल अब उन्होंने सिंध गए हैं अटैक तो करना पोलिटिकली डील करना है कि हद तक दुरुस्त है किस हद तक गलत है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे फिर पी एम एल एन के अंदर की जो आ, आपसी रेशा दवानियाँ हैं उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि चौधरी निसार जो हैं वो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं लेकिन वहाँ बैठ के भी वो अपोजिशन की ज़ुबान बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ऊपर जरूर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतलात के सेक्रेटरी भी हैं रुकने कौमी इसम्बली भी हैं सीनियर रानुम भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सलीम बुखारी साहब जो कि किसी तारफ आज नहीं है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार कॉलम निगार हमारे बहुत मोहतरम हमारे सीनियर हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर थोड़ी देर में हमें जनाब निसार खोड़ो साहब भी कराची से बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नाम और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर बहुत शुक्रिया हमें मलिक अहमद खान भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवास के स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब हुकूमत के और सूबा इसम्बली के रुकन भी हैं सबसे पहले खोड़ो साहब आपके पास आना क्योंकि कल जो तकारीर हुई जो तकरीर हुई है खान साहब की और हैदराबाद का जो जलसा है आप चूके के, के, सदर, सदर के आपको क्या लगता है कितना कामयाब था और जो लबो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो पोलिटिकल लीडर के लिए वो उनको फायदा दे सकता है सिंध के अंदर देखें इमरान खान एक्चुअली झुंझलाहट का शिकार है उनकी सिंध पार्टी ने ऐलान किया था कि हमने जलसे में पचास हजार कुर्सियां रखी हैं आज की अखबारों में लिखा हुआ है कि कुल सात हजार दो सौ कुर्सियां रखी हुई थी जो भी पूरी भरी हुई नहीं थी यानी जलसा नाकाम हुआ था अब नाकाम हुआ इस में अभी खा खाके आए उससे पहले भी शिकस्त खाते रहे जब अयाज सादिक के सामने हार गए या इस्लामाबाद लॉक इन के करते वक्त भी काम हुए और तीन महीने चार महीने धरना लगाने के बाद बेनतीजा होकर वापस असेंबली में पहुंचे यह सारे तीनों चारों दफा उन्होंने शिकस्त खाई है और झंझलाहट तो है क्योंकि जलसा भी नाकाम है अब इस बुनियाद पर इमरान खान को अगर यह सूट करता है कि वो इस तरह के हमले करें तो उसका जल से आ ही जाएगा सही और जिस तरह से बुरी बात कहते हैं जिस तरह से बदजुबानी करते हैं तो हमें पूरा हक है उनके खिलाफ उतनी बदजुबानी करने का ठीक है तो वो कोई फरिश्ता नहीं है और शीशे के घर में बैठकर किसी को पत्थर नहीं मारने चाहिए ठीक है क्योंकि उनके जवाब आप लोगों ने दिए भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी आप लोगों ने कहा कि खान साहब जो है उनके वजरा की करप्शन भी और उनकी मॉरल करप्शन पे भी आपने बात की लेकिन सर ये तो पॉलिटिकल लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज का वतीरा नहीं होना चाहिए मैं फिर भी जी। अम, मैं फिर भी मैं फिर भी तदबर के साथ हमला करता हूँ जवाब देता हूँ मैं फिर भी उस जबान इस्तेमाल नहीं करता जो इमरान करता है लेकिन वो जुबान इस्तेमाल करनी आती है हमें ठीक है हमने उसके खड़े में भी बात कर सकते हैं और की है की भी और उसकी है। की भी उसकी के, के? के बारे में भी बात कर सकते हैं की भी है उनके बारे में सकते हैं उसके उसके जाति जाति अखलाक के बारे में भी बोल सकते हैं उसके घर के बारे में भी बोल सकते हैं यही कहूंगा कि जी जी गौर साहब मैं वापस आती हूँ लेकिन तो शीखा साहब ये बात अगर। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर शीशे के घर में है और को मतलब ये कि वो सिनेमा की टिकट्स बेचते थे और ये मतलब ये किस किस्म के पहले तो, तो बात ये है कि टेंडर की बहुत अच्छी थी और हर लिहाज से अगर आप तस्वीरें देख लें एक बहुत ही बड़ा कामयाब जलसा था दूसरी बात यह है कि लाहौर की बात की नवाज शरीफ के वोट तीस हजार कम हुए और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के चौदह सौ वोट तो इनका हाल है जी उसके बाद ये कहते हैं जी, जी जबान इस्तेमाल की बीमारी तो है जरदारी इसलिए कि सिंध की जो हालात जो सिंध की गवर्नमेंट के हालात है जो लूट मार है इनके तो वजीर जो है इनको घरों से निकले उसके बाद ऐसे इल्जाम तो, तो केपी के नहीं तो ठीक है लगाएगा लेकिन जरदारी साहब की जो जदाते हैं 1980 में थी और जो अब है सारी दुनिया जानती है एक मिसाल है कौम को लूट मार करने की मिसाल उसके बाद आप कहते हैं जबान सईद गनी ने क्या कहा सईद गनी कहता है जी शाम के बाद उनके हवास ठीक नहीं है चांडियो क्या कहता है चांडियो कहता है इसके बाप को निकाला गया झूठ बिल्कुल झूठ बाप थे में में। ये 7 हुँ। हुँ। मेरे बात करने दो न अच्छा उसके बाद रेहम खान की बातें शुरू कर दी ठीक है और ये कहते हैं जी जाति बात करके देखें जो इन सब की जाति जिंदगी है ना उसमें जो खड़े हुए उसके सा। उसके खा, खान साहब को भी थोड़ा जुबान पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा कहा है बीमारी का है ना और क्या सिंध की बीमारी सिंध की बीमारी का है तो क्या बीमारी है सिंध की सिंध को जिस तरह जितनी बुरी चलाई जा रही है सारे सर्वे देख ले आप हाँ। करप्शन पे करप्शन लूट मार पे लूट मार कराची का हालात देख लो अच्छा लिया। अच्छा ठीक मैं मैं इस पे खोड़ो साहब मैं एक आपकी राय किससे पहले को भी इस पे ले लूं बुखारी जी खोड़ो साहब जी आपका जी सर खान पाकिस्तान की सियासत में कैंसर है इसलिए आपके वो वो आमरों का चमचा रहा है गैर जमुरी शख्स है एनआर एनआर एनआरओ किसने किया था अब सुनो ना मेरी बात आपने किया था ना आप सुनो ना आपने किया था किसने किया था एनआरओ चमचागिरी किसने तो की थी तो सुनो थी? पहले दो वो शौकत खान मेमोरियल के लिए दो करोड़ रुपए लेकर मुशर्रफ बड़ा अच्छा लगता था और खुदा का वास्ता शौकत खानम की बात ना करो आपने सिर्फ लूट मार किया उसने क्यों बात नहीं करेंगे क्यों बात नहीं करेंगे कोई आसमान से उतरी भी चीज नहीं आप लोगों का तो पता पता है सारी दुनिया को जितने बड़े कोई पता है। है। सारे कराची को लूट के खा खाए वो दिन शफकत। वो लोग बंदे बंदे जो है जो आधे आपके वजीर भाग गए थे से। शफकत याद करो वो दिन वो बंदे, बंदे याद करो नहीं हुई आप बात करें याद करो लेकिन करो ना बाद। अच्छा सवाल के बाद करो जी अच्छा साहब आप क्या देखते हैं मतलब पीएमएलएन के साथ भी फ्रंट खुला हुआ है प, पी का पी टी कौमी सियासत में बिल्कुल तनहा है और अब पीपल्स पार्टी के साथ बहुत खुले लफ्ज खुशी शाह के लिए जो खान साहब ने कहा है आप क्या देखो सिर्फ इलेक्शन के लिए या वाकई खान साहब बहुत तल्ख हो गए इन सारी मामला के ऊपर आसमा आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले और दीगर प्रोग्रामों में बेपना दफ़ा मैंने ये कहा है कि ये कसूर हमारे सियासतदानों का है कि वो सिल्वर प्लेटर पे रख के पेश कर देते हैं फौजियों को कि आइए जनाब काफ़ी अरसा हो गया हमको यही वजह है कि हमारी तारीख का आधा हिस्सा जो है वो फौजी डिक्टेटरों के नीचे गुजरा है मैं हमेशा ये बिलीव भी करता हूँ और बरमिना कहता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं वो ये चाहे ज़बान का इस्तेमाल जिसकी तरफ आपका हवाला है चाहे वो कॉन्टेंट्स जो के अंदर बयान किए जाते हैं या फिर वो एलिगेशन के ऊपर लगाए जाते हैं फिर मुहैया हो जाता है और यही हुआ, हुआ कि तीन दफा की मिलिट्री इंटरवेंशन में आसमान लोगों ने तालियां बजा के फौजियों का इस्तेमाल किया तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि फौजी जो है उसकी ये मजाल हो सकती है कि वो आके किसी जमहूरी उसकी बसात पलट दे जब तक हमारे सियासतदान कानून गुंजाइश मौका <laughs> और हालात पैदा नहीं करते हैं ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ और मज़ाहिर आपके सामने हैं अभी जो गुफ्तु हमने अब तक सुनी है दोनों ने मिल उसमें भी इशारे कोई अच्छे नहीं मिल रहे हैं इसलिए कि अगर हम पोतलों के ऊपर जाएंगे दूसरों के गंद करेंगे डर्टी लिनन को पब्लिक में साफ तो वही हलके वही इंस्टीट्यूशन फिर एक दफा जवाब पैदा करेंगे इस बात का कि जनाब इनके बस की बात नहीं है ये एक बहुत बड़ा फेलियर है चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से है चाहे वो गवर्नेंस के एतबार से है यही तीन चीजें उन्हें चाहिए होती हैं आप गवाह हैं आप, भी तारीफ किए हैं ये बहुत बदकस्मती की बात इमरान खान साहब ने, बेकुल, बेकुल, ने कल सिंध में की है चाहे वो सईद गनी साहब पॉलिटिक्स पॉपुलर पॉलिटिक्स ज्यादा वोटर उनकी तरफ बढ़ेगा आपको लगता है कि ये सिर्फ जरूरत के तहत आ, है या कुछ और है ऐसा अस, असमा ये बिल्कुल आप हिस्टोरिकली जो एक बात कह रही हैं ये उसके उलट है आप देखिए पीपल्स पार्टी जिसका पंजाब गढ़ ऐसा गढ़ जिसको पीपल्स पार्टी की हब कहते थे क्या हुआ उसको नजर क्यों लग गई उसको वहां से पीपल्स पार्टी के ये हालात क्यों हैं इस पर पीपल्स पार्टी की क्यादत को गौर करना है जी ये जो ये जो डिस्कनेक्ट है लेकिन सिंध में तो हालात वो, वो कहते हैं मुख्तलिफ है सिंध की तो सबसे बड़ी जमात है अच्छा मलिक साहब मलिक अहमद खान साहब अभी थोड़ी देर पहले एक साथ डार हम ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें डार साहब के घर है पीएमएलएन डिफेंसिव पोजीशन पे है पीपल्स पार्टी डिस्क्रेडिटेड पंजाब में हो गई है पीएमएलएन उसी रस्ते के ऊपर है आप क्या समझते हैं सर ये वाकई एक और दावत है जो कि दी जा रही है आइए आइएदान इस काबिल नहीं देखिए मैं ऑनेस्टली uh, स्पीकिंग मुझे तो uh, साहब और साहब दोनों का ही इतना बड़ा एहतराम है कि हम तो इनको पॉलिटिकली आइडियलाइज करते रहे लेकिन सियासत में इतनी तलखी आ जाएगी और लीडरान के स्टेटमेंट जो है वो फॉर वट एवर रीजन वो दुरुस्त हैं या गलत हैं या जो वो कह रहे हैं है। लेकिन बार बार कैफ हमारा आ, नेरेटिव तो ये है कि ये इस हद तक बात नहीं बढ़नी चाहिए कि ये बिल्कुल तू तकार पे आ जाए और फिर ये इन जैसे सीनियर लोग जो शफकत साहब और आ, निसार खोड़ो साहब है कम अज कम इनको तो ये बिल्कुल भी आ, से नहीं छोटना चाहिए और जो ये बात है कि सियासतदानों पर अहतम नहीं रहेगा देखिए सियासतदानों के अहतमाद पे तो हम अपनी केस स्टडी आपको दे सकते हैं कि एज फार एज आई आई एम स्पीकिंग एज अस गवर्नमेंट हमने बड़ी तल्ख बातें भी सुनी हैं और बर्दाश्त की हैं किसी बात पर हमने उसी टोकन में जवाब नहीं दिया जिस तरह के हम पर इल्जाम लगे हैं और उन इल्जाम को अभी रिसेंटली एक अभी टेस्ट केस आपके सामने है या बेट का वो चाइना की करप्शन का केस उठाकर क्या 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 नहीं की गई लेकिन हमने बड़ा पोलाइटली हर किसी को अपने लीगल पैरामीटर्स में रहकर उसका जवाब दिया अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छी बात है अच्छी बात आपके आप ना देते हूँ लेकिन आपकी जमात में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा रिस्पोंड करते हैं स्ट्रॉन्गली और क्रिटिकली लेकिन ये बताइए कि अभी जो छापा पड़ा है आप तस्दीक कर सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स इनक्लेव में वजीर खजाना के घर पे छापा पड़ा है तो ये तो एम्बेरसमेंट नहीं है देखिए मैं टू दैट मैं तो अभी एक टीवी से उठकर आपकी तरफ आ गया हूँ अगर इस अरसे में कुछ पड़ा है या देखा गया तो मैं आ, मुझे नहीं पता पड़ा है लेकिन अगर एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर के खिलाफ छापा पड़ रहा है और किसी कोर्ट की तरफ से पढ़ के जा रहा है और उसमें कोई कोर्ट के ऑर्डर हैं या कोई बेल वारंट्स हैं yeah. तो ऑब्वियसली एक प्रैगमेटिक अप्रोच इन चीजों को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकती है उसमें इनको देखना चाहिए इस आगदार साहब को ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है और उसमेंट का जो ऑर्डर है जिसकी वजह से ये अगर उनपे कुछ छापे तक की पोजिशन आ गई है तो ये गुड uh, फॉर तो uh, आपके ख्याल में ये होगा की वो मुस्ताफी हो जाए नहीं देखिए प्रेगमेटिक अप्रोच मेरे नजदीक ये होगा कि वो कोर्ट जिस कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया है उस कोर्ट को पहले उसके लीगल लीगल कॉन्सिक्वेंस को एड्रेस कर एंड देन ही शुड बी लुकिंग फॉर द पॉलिटिकल डिविडेंड ओके और अगर अगर लीगल हुँ. कोर्स जो है अपना रूट बनाता रहे और ये कोर्स ऐसे ही मलिक चलता बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है कि यानी वो पेश हो जाए ना मतलब लीगल कोर्स तो यही है कि वो उसके सामने पेश हो जाए बजाय ये कि डार साहब के मिनिस्टर्स इन क्लेव पे छापे पड़े हो उनके लाहौर वाले घर पे छापे पड़े थोड़ी, थोड़ी देर पहले तो वजारत खारजा ने भी भेज दिए समन सारे शरीफ खानदान को इसका तो मतलब है कि ये सिर्फ डॉब के लिए if नहीं, सबके लिए देखिए, तो मैं तो बिल्कुल अगर उनके उन मशीरान की लिस्ट में होता जो मशवरा दे सकते तो मैं हर सूरत ये देता कि अपनी जो आपकी लीगल रीजनिंग है उसको आप अपनी साउंड फुट Fair enough, fair enough. ये 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 तो पंजाब हुकूमत, शरीफ साहब साहब। के आप आप सर। दिल्ग, 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 और आप ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं होता तो, तो कहता है। है, जी तो, वैसे मेरा मातम करने को दिल चाहता है इन लोगों की अकल पर कि किसको नहीं पता कि साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं और छापे वो मार रहे हैं यहाँ पर खुदा के वास्ते ये क्या करना चाह रहे हैं या ये हैरासमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है सर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है। दे 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 प्रेशर इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि दे 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 में छापे हाँ। पड़ रहे हैं एक इजाजत मुझे देंगी जी 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 तो मैं कह रहा हूँ की अगर ये उस कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाता की दार साहब में है तो फिर शायद ये जितनी ह्यूमन क्राइम है इसका शोर ना मचता और ये ठीक बात गवर्नमेंट अच्छा।, कर देने से मामला होते तो तो अच्छा अच्छा तो बेहतर था मैं 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 एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूं सर ब्रेक के फौरन बाद इस मामले पे भी आएंगे शरीफ खानदान के मुस्तकबिल पे भी आएंगे और सिंध के अंदर जो अभी बैटिंग करना चाह रही है आए, उसके लिए कितनी स्मूथ सेलिंग वाप्या है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि नैब इस्लामाबाद ने रेड किया है जो अब तक की तलात आ रही है कि रेड किया है डार साहब के घर पर मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ, साथ हैं शफकत महमूद साहब भी हैं और हमारे साथ सलीम बुखाय साहब भी हैं खोड़ो साहब को कहीं जाना था उन्होंने टाइम दिया लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं क्विकली सलीम बखाय साहब आपके पास आऊँगी कि ये जो इस तरह की तलाश आ रही है और अब ये कहा खानदान शायद वापस नहीं आ पाएगा तो ये इतलात तो काफी परेशान कुन नहीं है पीएमएलएन के लिए देखिए दोनों तरफ से इस वक्त प्रेशर्स बढ़ाया जा रहा है वो जिसको कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज की टर्म में कि चिप्स अप एंड डाउन हो रहे हैं तो अभी तक जो फॉर्मल स्टेटमेंट आया है पीएमएलएन की तरफ से बास का है जिन्होंने गालबन लंदन में किसी से कहा है कि ना उन्हें पेश होना चाहिए और ना ही है।, ट्वीट ये हुआ। है अब तक का उनका आ, उनका नैरेटिव जो है ये से ये सिर्फ जो है, जो अचानक जिंदा हो गई है पिछले 20 साल में तो कहते थे उसकी तदवीन हो चुकी कोई कहता था उसका मकबरा बन गया है लेकिन अब वो एक्टिव होने पर आई है तो वो इतनी एक्टिव है कि अल्लाह अकबर ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान के सारे चोर जिसने डेती की हुई है वो पैसा वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो फिर चाहिए चाहिए ना कुछ चाहिए। सारा पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ जाएगा तो ये इस तरह का मंजरनामा जो है है वो हमारे सामने है। चिप्स एक दूसरे की तरफ से बढ़ रहे हैं एक दूसरे को डिच करने की कोशिश की जा रही है लोग स्टेब्लिशमेंट का नाम को अदलिया को जो कुछ कह रहे हैं असमा जितना मर्जी आपको छुपा लें इसको लेकिन वो बिल्कुल नंगा बहना है हमारे सामने कि गाली अदारों को पड़ रही है वो अदारे मुदाखलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोशिश है जिसमें तमाम इदारे जो हैं वो शामिल हैं शफकत महमूद साहब ये बात दुरुस्त है अगर गिरफ्तार अब जाहिर है कि वो तो नहीं आएंगे शरीफ खानदान और गिरफ्तारी का सब लेकिन जो छापे मारे जा रहे हैं पता है उनको कि डार साहब यहाँ पे नहीं है उसके बावजूद छापे मारने की क्या जरूरत है मैं आपको अब इस एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ छापे क्या वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं नायब की तरफ से आ, क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या अपनाया गया उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है शायद आपको लग जाएगा जी, अभी तो मैं बता देता हूं, ये वारंट अभी है उनके जारी हुए जी जिस दस लाख के ऊपर लेकिन उसके बावजूद छापेबल जारी हुए हैं तो इसलिए जारी हुए होंगे की वो अदालत में पेश नहीं हुए थे शायद इस वजह से हुआ हो हुआ होगा आ, वो एक लिहाज से मेरा ख्याल है कि छापे शा, शायद बहुत शदीद है क्योंकि अगर उन्होंने जाके अवेलेबल वारंट्स हैंड ओवर किए हैं किसी मुलाजिम को तो उसको छापा बहरहाल जैसे भी है बाकी ये रह गया कि अब इसक डार साहब अमेरिका में हैं उनको पता था पता होना चाहिए था ये तो नहीं हो सकता कि आपको पता ही नहीं है कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर तो शायद ये कोई कार्रवाई जो है लेकिन मैं सलीम बुखारी साहब ने एक बात की कि नैब एकदम एक्टिव हो गया काश के नैब हमेशा एक्टिव होता काश के मुतम I mean, होना, होना या पीटीआई का मुतमिन होने का इशू नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ ने कहा की ये अदारा मफलूज हो चुका है ये अदारा नहीं चल रहा अगर उस अदारे ने थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया है और वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने लग गया है तो मेरा ख्याल अच्छी बात है अब ये एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता कि वो कर चेयरमैन नायब तो जाने वाला है लेकिन मैं तो उसको वेलकम करूंगा अगर एक नैब एक फाल बन जाए तो मैं तो उसको वेलकम करूंगा अच्छा। क्योंकि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनका हिसाब नहीं वो तो उससे कोई दो राय नहीं है ये मलिक साहब आप बताइएगा जो जो समा अगर आप दे, मैं एक मिनट की इंटरजेक्शन चाहिए जी जी, जी साहब अगर, तो, अगर तो अगर तो नैब खुद से रिएक्टिवेट करने लग गया है तो हर सेन आदमी उसको वेलकम करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट उनको एक सुप्रीम सुप्रीम कोड़ कोड़ करेगा नहीं नहीं करेगा नहीं एक जज बैठे हुए हैं ऊपर सुपरवाइजरी जज मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर ये उसके नतीजे में हो रहा है तो इसी तरह है जैसे पहले नवाज शरीफ या जरदारी साहब के के प्रेशर अंदर आके और अब किसी और हमें एहतियात करनी चाहिए अदारे हमारे अपने बात करते हैं तो मेरी बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज बनाया सुपरवाइजरी जज नहीं बनाया मॉनिटरिंग जज जो है उसका काम सिर्फ ये है कि उसने इंश्योर करना है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम में नैब अपना काम करे सही। बाकी ये जो खबरें हैं मेरा ख्याल है कि मैं तो मानने के लिए तैयार सिर्फ नहीं। ये नहीं है मलिक साहब अभी पेपर मिल्स का आज मामला जो एक खुल गया उसमें तो भी आते हैं सर तो अगर वो भी आ, उनके भी उनके वारंट आ, गए और उनको भी गिरफ्तार कर लिया तो बताइए ये तो फिर कहा जा रहा है मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने पैक कर दिया था पैक कर दिया हाई कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया था उसको सेटल कर दिया था तो आपको क्या लगता है फिर तो ये पूरे शरीफ खानदान की सियासत वाकई खत्म हो जाएगी नहीं अच्छा। देखिए आसमा इसमें पहली पहली जो बात है वो तो ये है कि ये अभी जी कंडोनेशन ऑफ डिले पहले उसकी बात होगी ये सारी ठीक आपके घर पे वो लेकर गए होंगे अभी तो ये अपील सुप्रीम अच्छा मेरा ख्याल है कि फोन पे ऑडियो ले ले प्लीज ऑडियो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है आ, जी खान साहब जी मलिक साहब जी मलिक साहब आप 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 मुझे सुन पा रहे हैं जी आप सुन पा रहे हैं जी अच्छा देखिए इस तरह है कि अभी जो हुदैबिया का मामला है हुदैबिया का तो भी अपील फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में हुँ. अभी तो पहले डिले कंडोन होना है कि इतना अरसा ये क्यों न, क्यों नहीं हुआ और फिर ये बात जो है वो थ्रेड बेयर उसमें प्रोब होगी कोर्ट के अंदर और इस पर बहस होगी वुकला देंगे वुकला बहस करेंगे कि जो एक फाइनेलिटी अटैच होगी थी हाई कोर्ट की जजमेंट को और जो चेयरमैन की उसके अंदर जजमेंट थी उसमें वो कौन सा ऐसा एरर था जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये पनामा हेयरिंग में ऑब्जर्व किया और फिर अब एक रेगुलर अपील की सूरत में जब जाएगा तो उसका नेचर डिफरेंट होगा हुदैबिया केस का ऑटोमेटिकली खुल जाना इसमें मकसूद नहीं है अभी तो ये बात वहां पर जब ये चलेगी नैब की उस अपील के ऊपर जो इसके अंदर पार्टीज हैं वो कोर्ट के अंदर जाएंगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगी वो ये जो पहली हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको फाइनलिटी कैसे अटैच हुई और फिर अगर हाई क, सुप्रीम कोर्ट जो अगर मग, मलिक साहब ये सब कुछ, कुछ तो डार साहब के लिए भी होना था डार साहब के घर के तो छापे मारे जा रहे हैं तो अगर ये सब कुछ अगर उनके लिए फॉलो होगा तो उनके लिए क्यों नहीं फॉलो होगा जो शरीफ खानदान है नहीं नहीं वो उसमें आसम ऐसे है इसाक डार साहब का ये कोई प्रोसेस चाहे वो कोई बेल वारंट बेलेबल वारंट्स हैं है, है, वो क्या चीज है की नहीं, तो मैं इस पाना के हवाले से उसके ऊपर जो अभी तो खैर ये क्लियर भी होना है कि किस चक्कर में उनको किया है क्योंकि उसके ऊपर तो बेलेबल वॉरेंट हुए दस लाख के मचलकों की आज ही सुबह अदालत ने बात की है कि नहीं आएगा आपके ख्याल कल रात कर दी थी देखिए हमारे तहफा बड़े शदीद हैं जैसे अभी शफकत साहब बात कर रहे थे शफकत साहब का यह कहना था कि मॉनिटरिंग जज को मुकर कि अब हम बुनियादी तौर पर वो ढांचा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक ट्रायल की मॉनिटरिंग एक सुपीरियर कोर्ट कर रही होगी तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड ऑफ दैट लोअर कोर्ट के अगर टाइम फ्रेम्स के हवाले से भी कर रहे हैं तो तब भी असली तौर पर ये बात दुरुस्त नहीं है ये आज तक के लेड डाउन प्रोसीजर जो पिछले सौ साल की नजाइर हैं ये उनसे متصادم है और अगर ये ऐसे ही होना है तो फिर मलिक असद केस को अभी तक रिपील क्यों नहीं किया गया उस केस को ये क्यों नहीं कहा गया कि उसकी अगर मलिकसद केस बाकी मुल्क के लोगों के ऊपर आज भी उसी तरह इन एप्लीकेशन है तो फिर सुपरिटेंडेंस एंड मॉनिटरिंग बड़ा तनाजर है उसको जहन में रखा जाए कि नैब में और बाकी अदालतों में पंद्रह पंद्रह बीस बीस पच्चीस करप्शन जो है वो उसको जब इस मुल्क का नुकसान किया जाए लूटा जाए तो कोई उसका होना नहीं चाहिए टाइम फ्रेम होना चाहिए और के अंदर अगर तो अगर, 30 है सर। तो अगर नहीं हो चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूरन क्योंकि आप अपनी पुरानी तारीख देखे तारीख देखा फैसला होता ही नहीं है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक मॉनिटरिंग जज को मुकर्रर किया सिर्फ इस वास्ते सिर्फ जो है जो मफलूज अदारा हो चुका था

करती अगर है। पहले नैब इनके बकौल गलत करती रही है तो क्या ये जो आज सुप्रीम कोर्ट पर मजबूरी है कल को ये मजबूरी जो है सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के गले में पड़ जाएगी ये ऐसे नहीं होता सुप्रीम कोर्ट मजबूर नहीं होती अच्छा मैं 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 एक सवाल मलिक लूंगी इस पेटेंट है जैसे आप कह रहे हैं, अगर खान साहब के ऊपर भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और अगर उनके खिलाफ फैसला को पक्की बात है, बात है। खान लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल फैसला खान साहब के खिलाफ देती है तो आपका क्या ख्याल है कि खान साहब उस फैसले को तस्लीम नहीं और वो भी नायलियत हो सकती है देखें जो भी उसकी मुजमरात है हम सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करते हैं हम आइन का आएन को, पाकिस्तान का सुप्रीम को एक आला पोजिशन देता है अब हम आ, पाकिस्तान के वो है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है हम पहले सुनते थे माइनस वन हम यकीन नहीं करते थे माइनस वन हो गया माइनस अल्ताफ सुनते थे माइनस अल्ताफ हो गया माइनस नवाज सुनते थे माइनस नवाज हो गया अब अगर माइनस इमरान हो तो आप मुझे बताएं कि फिर आपको लगता है कि ये फिर तरफ ये जिसके ऊपर हिम्मत मैं आवाज उठाता आप देखिए इमरान खान साहब ने अपने लाहौर के और खुशाब के जलसे में कहा कि एन ए वन ट्वेंटी का इलेक्शन जो है इसमें आप वोट देंगे सुप्रीम कोर्ट के हक में वो अचानक एक पार्टी बन गई सियासी जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया है मुझे इसके ऊपर बहुत हैरत है ये एक सीनियर इतनी बड़ी पार्टी के लूज स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए ये बिल्कुल गलत है ये रवाज जो पढ़ रहे हैं हम इसी तरह से अदारों को खींच खींच के उनकी उनके उनके शान में गुस्ताखी लें या उनकी आन बान को कम करने की कोशिश करते रहते हैं आप वो दो बयान मेरी कहने के ऊपर सुन लीजिए जी जी वो हमने जी, जी, भी है चार मरतबा तो ये बात हो रहा है।, है।, है जी चार बार और मरियम क्या कह रही थी मरियम ने फिर रिपीट किया उनको तो तो ही, खेलने ही, के लिए उन्होंने भी गलत बात की बहुत गलत बात की बात ये है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो इशू मुल्क में थे खान साहब तो उस इशू को बता रहे थे कि भाई इस इशू क्या है इस मुल्क के अंदर कि कानून की हुक्मरानी होगी या कानून की हुक्मरानी नहीं होगी नहीं, तो ने ने का, उन... है, सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाज को कन्विक्ट किया है और ना हल किया है तो इसका मतलब है किसी को माइनस नहीं होना चाहिए अगर उसने उसने बहुत बता नहीं सका कि पैसे कहां से आए बता नहीं सका की अरबों रुपए की जिदाते कहां से आई अगर इस मुल्क का माल लूटा गया है अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फैसला दे दिया है तो अब हम सारे बैठ कर उसको क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं तो जी भाई साहब देखिये शफकत साहब का शफकत साहब का कहना अपनी जगह पर एक थॉट प्रोसेस है जो बुखारी साहब कह रहे हैं वो लेकिन बाहर सूरत जिस चीज को कानून कहा जाता है वो लिखा हुआ एक लेजिस्लेटिव एक डॉक्यूमेंट होता है और हम ये डॉक्यूमेंट ढूंढने से आज तक कासिर हैं कि जिसमें वन एट्टी फोर थ्री के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं कहाँ है वो सर एक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरी गुजारिश मैं मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना सर आप मुझे आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा मौका दे दें जी आप जो कह रहे हैं मैं उसको दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूँ लेकिन फिर भी मैं ये कहने में हक बजानी भी जो आपसे कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर पोलिटिकल रीजनिंग पर लीगल डिस्कोर्सेस को बिल्कुल डायल्यूट होते देखा है ठीक बात और ये सत्ताईस अट्ठासी से ऑनवर्ड लेकिन सर इंसाफ ने भी तो अपना रास्ता बनाना है ना सर के अंदर वो तो कैसे बनेगा मलिक साहब आखिरी चंद सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी 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 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये जो ये जो रास्ता है हाँ ये जो रास्ता है ये रास्ता वन टाइम अरेंजमेंट है ये ये रास्ता कोई कानूनी रास्ता नहीं है नहीं है अच्छा और इस रास्ते की बुनियाद पर इस रास्ते की ये बहस हो सकती है सर लेकिन बख्शी साहब वो कानूनी नहीं है बिल्कुल बख्शी साहब ये बताइएगा कि अब बिल्कुल आखिरी